हेलो फ्रेंड्स, मैं अभिजीत और ये मेरा चैनल लर्न स्टॉक चार्ट्स टू अर्न। यह हमारी सीरीज लर्न टू अर्न स्टॉक मार्केट गाइड का अगला वीडियो है, जिसका टाइटल है बेरिश आउटसाइड बार पैटर्न। हमने पिछले वीडियो में बुलिश आउटसाइड बार पैटर्न देखा था, इस वीडियो में हम बेरिश आउटसाइड बार पैटर्न क्या होता है वो देखेंगे। दोस्तों, ये पैटर्न हमें ज़्यादातर अप ट्रेंड में मिल जाता है। अगर अप ट्रेंड में इस तरह का पैटर्न क्रिएट होता है तो हम समझ लेंगे कि उसके बाद जो भी प्रेडिक्शन रहेगा तो उस प्रेडिक्शन के हिसाब से स्टॉक प्राइसेस गिरने वाली है। तो अप ट्रेंड का स्टॉक अगर आउटसाइड बार बेरिश आउटसाइड बार क्रिएट करता है तो उसके बाद स्टॉक प्राइसेस गिर जाती है, इसलिए वो ट्रेंड को रिवर्स करता है। इसलिए हम इस टेक्निक को ट्रेंड रिवर्सल टेक्निक भी कहते हैं। दोस्तों, ये एक अच्छी स्ट्रेटजी है। अगर आपको इस तरह का पैटर्न मिलता है तो इसकी एक्यूरेसी भी अच्छी है। आप नंबर ऑफ स्टॉक्स देख सकते हैं तो आपको पता चल जाएगा कि अगर कौन से स्टॉक में अपर साइड पे बेरिश आउटसाइड बार क्रिएट हुआ होगा तो उसके बाद डाउनफॉल आया ही होगा। तो इसकी एक्यूरेसी भी अच्छी है। तो हम समझने की कोशिश करेंगे कि ये स्टॉक चार्ट पे अगर अपेयर होता है तो किस तरह का होता है। तो उससे पहले एक बात कहूँगा दोस्तों, अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो पहले मेरे चैनल पर जाइए, वहाँ पर जाकर मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वहाँ पर एक बेल आइकॉन आएगा, उसको क्लिक कीजिए। तो चलिए दोस्तों, समझने की कोशिश करेंगे कि बेरिश आउटसाइड बार पैटर्न क्या रहता है। तो बेसिकली स्टॉक उसके अपट्रेंड में काम करता रहता है। काम करने के बाद वहाँ पे एक छोटी कैंडल क्रिएट हो जाती है जिसका ओपन और लो इक्वल रहता है, और उसके बाद एक बड़ी सी रेड कैंडल क्रिएट हो जाती है। अगर हम इसका हाई कंपेयर करेंगे प्रीवियस हाई से तो इसका हाई हायर हाई रहेगा और इसका लो भी लोअर लो रहेगा अगर हम पिछले कैंडल से कंपेयर करेंगे। तो टोटली आगे वाली कैंडल ने पीछे वाली कैंडल को एंगल्फ कर दिया और एंगल्फिंग हो गई है अप ट्रेंड पे। तो अगर इस तरह का पैटर्न अप ट्रेंड के एंड में क्रिएट होता है तो हम उसे बेरिश आउटसाइड बार कहते हैं। दोस्तों, यहाँ पे जो अगली कैंडल है, जो राइट वाली कैंडल है, वो रेड होना ज़रूरी है। अगर वो रेड रहेगी तो ही हम उसे बेरिश आउटसाइड बार कहेंगे, क्योंकि हमने देखा है वो कैंडल अगर रेड रहती है तो उसका मीनिंग रहता है कि वो कैंडल बेरिशनेस दिखा रही है। दोस्तों, बेरिश आउटसाइड बार एक टू कैंडल पैटर्न है, हम सिंगल कैंडल देख के नहीं पता कर सकते, तो हमें दो कैंडल को मिला के ही वो पैटर्न बनाना पड़ता है, इसलिए बेरिश आउटसाइड बार टू कैंडल पैटर्न है। तो अप ट्रेंड में अगर इस तरह की छोटी कैंडल और उसके बाद एक रेड बड़ी कैंडल बन जाती है तो हम उसे बेरिश आउटसाइड बार कहते हैं। अगर इस तरह का पैटर्न बन जाता है तो इसका इंडिकेशन रहता है उसके बाद के कुछ दिन में स्टॉक में गिरावट आने वाली है। चलो दोस्तों, एक सैम्पल चार्ट लेते हैं और समझने की कोशिश करते हैं। दोस्तों, मैंने यहाँ पे निफ्टी का चार्ट लिया है, ये है डेली चार्ट। और दोस्तों, ये थोड़ा पुराना चार्ट, पुरानी डेट वाला चार्ट हम देख रहे हैं, जिसकी डेट है 26 अक्टूबर 2015। यहाँ पे मुझे एक पैटर्न मिला, आगे भी आपको बहुत सारे पैटर्न मिल जाएंगे, ऐसी बात नहीं है कि यहीं पे ही पैटर्न था, आगे भी बहुत सारे पैटर्न हैं। लेकिन ऐसे ही मैं देख रहा था, मुझे यहाँ पे एक अच्छा पैटर्न मिल गया, इसलिए मैंने ये चूज़ किया है। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे बेसिकली स्टॉक का ट्रेंड अप ट्रेंड था। अब ट्रेंड में ये छोटी सी कैंडल तैयार हो गई है और उसके बाद एक बड़ी वाली रेड कैंडल तैयार हो गई है। अभी लेफ्ट वाली जो कैंडल है वो रेड भी हो सकती है, ग्रीन भी हो सकती है, डजंट मैटर। यहाँ पे हमें खाली दोनों का हाई कंपेयर करना है। इसका अगर हाई हम देखते हैं तो 8328 का है और इसका जो हाई है वो 8336 का है, यानी इसका हाई इससे बड़ा है। और इसका लो हम देखेंगे तो 8280 है और इसका लो है 8252, तो इसके लो से भी इसका लो ज़्यादा नीचे है। तो टोटली इस कैंडल ने, राइट वाली कैंडल ने लेफ्ट वाली कैंडल को एंगल कर दिया और बड़ी सी रेड कैंडल यहाँ पे अप ट्रेंड में तैयार हो गई। तो हम यहाँ पे ये जो दो कैंडल है, ये दोनों कैंडल को मिला के, ये मैं जो माउस पॉइंटर दिखा रहा हूँ, ये दोनों कैंडल को मिला के हम इसे बेरिश आउटसाइड बार कहेंगे। और आप देख सकते हैं अगर अप ट्रेंड में इस तरह का पैटर्न क्रिएट हुआ तो उसके बाद मार्केट में कितना डाउनफॉल आ गया है। तो यही होता है दोस्तों, ज़्यादा बताने की ज़रूरत नहीं है, ये छोटा सा एग्जांपल देख के भी आप समझ सकते हैं। यहाँ पे मैंने निफ्टी का एग्जांपल लिया था, आप कौन सा भी स्टॉक उठा कर ले देख लीजिए, अप ट्रेंड में अगर इस तरह का पैटर्न आता है तो उसके बाद डाउन ट्रेंड आता ही आता है, तो इसका सक्सेस रेशियो भी अच्छा रहता है। तो मुझे लगता है कि और कुछ बोलने की ज़रूरत नहीं है, आपको समझ में आया होगा। तो अब हम हमारे चैनल के बारे में देखेंगे। दोस्तों, ये मेरा चैनल है लर्न स्टॉक चार्ट्स टू अर्न। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो मेरे चैनल मेरे इस वीडियो को लाइक कमेंट या शेयर कीजिए। और भी मैं इस तरह के अलग अलग वीडियो बनाने वाला हूँ। हर एक वीडियो में हमें अच्छी खासी एक स्ट्रैटेजी आपको पता लग जाएगी, जो इजी रहती है और हेल्पफुल भी रहती है, उसकी एक्यूरेसी भी अच्छी रहती है। वैसे ही मैं स्ट्रैटेजीज बनाने वाला हूँ।
आप मेरे प्लेलिस्ट में आकर देख सकते हैं, बहुत सारी प्लेलिस्ट में बनाने की कोशिश कर रहा हूँ, जितने भी हो सके मुझसे उतने में प्लेलिस्ट बनाने की कोशिश करूँगा और ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन देने की कोशिश करूँगा। तो अगर आपको मेरा एक भी वीडियो नहीं मिस करना तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और सब्सक्राइब करने के बाद यहाँ पे बेल आइकॉन आएगा, उसको क्लिक कीजिए तो जो भी मैं नए वीडियो बनाऊंगा उसके अपडेट्स आपको मिलते जाएंगे। दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, थैंक यू।